हेलो गाइस, तो अगर आपका भी हेड शोट नहीं लगता तो गाइस आपको वन चीज कर लो, आपका हमेशा हेड शोट लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो कमेंट में गाली लिख देना। तो गाइस चलिए मैं बताता हूँ आपको वन सेटिंग क्या चीज करना है। तो गाइस अपने जाना है अपने फ्री फायर में। फ्री फायर में जाने के बाद आपको जाना है कस्टम एडी में। कस्टम एडी में जाने के बाद गाइस उसके बाद क्या करना है मैं बता सकता हूँ। तो गाइस फ्री फायर में जाने के बाद आपको ये करना है कि हमारा फ्री फायर वालों ने करीना फ्री फायर हमें दो देता है फायर बटन, जिससे हम यूज करते हैं। एक यूज करते हैं जो कि हम मारते हैं बंदे को, और दूसरा यूज करते हैं जिससे हम थ्री फिंगर खेलते हैं तो हम ग्लू लगाते हैं। तो गाइस अगर आपका हेडशॉट नहीं लगता, अगर 2 GB 3 GB रैम में खेलते हो, तो गाइस ये ट्रिक वर्क करेगा 100%। अगर वर्क ना करे तो गाइस आके कमेंट में गुरु इसे लिख देना। तो गाइस आपको करना क्या है, जो आपको जो आपका फायर बटन होता है दूसरा वाला, उससे जस्ट नीचे लेके आना है। जैसे आप देख ही सकते हो मैं कैसे सेट कर रहा हूँ, एकदम गाइस ऐसे भी आपको सेट कर लेना है। और गाइस आपको जाना है रेंज या ट्रेंच में से किसी भी गेम में जाना है। आपका जो फिंगर होता है नीचे से करके आपको सीधा ऊपर तक देख करना है। अगर हेडशॉट ना लगे ना गाइस, आके कमेंट में ये बोलना कि गाइस ब्रो आपका जो आपने बताया था ठीक वर्क नहीं किया, या फिर कुछ गंदी चीज या बुरी गाली वाली कुछ भी लिख देना अगर हेडशॉट ना लगे तो। लेकिन गाइस इसे इस्तेमाल जरूर करना। तो गाइस इस वीडियो में बताने वाला हूँ 105 हेडशॉट न्यू ट्रिक बताने वाला हूँ इस अपडेट के बाद। और गाइस मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा, वो भी न्यू तरीका से बताता हूँ आपको, तो पता ही होगा मैं जब भी बनाता हूँ वीडियो यूनिक ट्रिक से बताता हूँ। तो गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो गाइस कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे सबसे यूनिक मिलता है, यूनिक से यूनिक ट्रिक मिलता है, यहीं पे देखने के लिए मिलता है। तो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस आपको कभी भी हेडशॉट मारना है तो आपको हमेशा आपका मूवमेंट करना रहना, आपको ये जो जॉयस्टिक होता है इसको कभी भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। क्या समझे गाइस, आपका जॉयस्टिक होता है कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करना, आपको सीधा रनिंग करते रहना। रनिंग करते करते आपको उसी जॉयस्टिक का जहां बंदा खड़े मिले आपको जॉयस्टिक से घुमा के उस पर डायरेक्टली आपको वन टैप मार देना है। वो भी गाइस आपको वन टैप कम मारना है, मैं आपको बता सकता हूँ। अगर बंदा क्लोज रेंज में रहता है ना गाइस, तो अगर आप क्लोज रेंज में रहता है तो उससे आप लोकेशन ट्रैक करना है। गाइस कोई कोई इंपॉर्टेंट बात वो आपको समझना बहुत ही जरूरी होता है। अगर बंदा लॉन्ग रेंज में होता है तो आपको उससे एम बैठा के तब आपको स्ट्रेट ट्रैक करना रहता है। तो गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि क्लोज रेंज में कौन से हम लोकेशन ट्रैक यूज करते हैं, और जो हमें बंदा रहता है लॉन्ग रेंज में हम स्ट्रेट ट्रैक ही यूज करते हैं। तो गाइस अगर आप जो जो अभी तक मैं इंपॉर्टेंट समझा आई होप आपको समझ में आया होगा। गाइस जो मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। गाइस आप कभी भी बंदे को मारते हो तो आपका आप जो एम होता है हमेशा बंदे के राइट साइड में आपको एम रखना है, तभी आपका हेडशॉट लगेगा। अगर राइट साइड में नहीं रखोगे ना गाइस तो आपका हेडशॉट नहीं लगेगा, तो इसलिए गाइस राइट साइड में रखना। और गाइस कभी भी आपको हेडशॉट मारना है तो गाइस जानते हो आपका करेक्टर कभी भी जंप करता है, जंप करने का अगर सामने एनिमी होता है तो आपको सीधा अपना जमीन पे पैर रखते ही बंदे पे सीधा ड्रेक कर देना है, बिना कुछ को है आपको बंदे पे ड्रेक कर देना है। तो गाइस अभी तक जितना भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक बताया अभी तक आपको समझ में आया होगा, इसलिए गाइस बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मिलता है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट। तो गाइस हमारे फ्री फायर में अभी अपडेट आया है तो हमारे सबसे नीचे एफएफ मैक्स जो सेंसिटिविटी है गाइस आपको पता ही नहीं होगा, वे हेडशॉट वाली सेंसिटिविटी है, उस सेंसिटिविटी को अगर रख लिए तो आपका हेडशॉट लगेगा। तो गाइस वे मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय।